गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन एंड किड्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके पहले मैंने लव साइंस और फनी वीडियोस उसके ऊपर बनाए, लव मैरिजेस फेल। ये जो वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। ये वीडियोस आप जाकर देख लीजिए। ये मुझे कमेंट आई थी सब्सक्राइबर की कि आप वृष राशि के जो टॉरस राशि के जातक हैं उनके ऊपर, उनकी जो लव लाइफ है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम देखेंगे कि वृष राशि के लोग कैसे होते हैं, टॉरस के जो लोग होते हैं उनका सोशल अपीयरेंस कैसे होता है, उनकी कदकाठी कैसी होती है, उनके फ्रेंड सर्कल्स कैसे होते हैं, लव लाइफ कैसी होती है, और उनकी जो लव लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी देखेंगे। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं टॉरस वाले और या फिर वो लोग जो टॉरस राशि के जो जातक हैं उनसे प्यार करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। सबसे पहले टॉरस राशि जो है वो राशि चक्र में दूसरी राशि आती है, तो जो कि एक स्त्री राशि है, बहुत ही चंचल है, लुभावनी है। अगर हम इस राशि के लोग देखेंगे तो देखिए, माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, ऐसे लोग इनमें बहुत आते हैं। अभी आप इन लोगों के जो एग्जाम्पल हैं उससे जान गए होंगे कि इनकी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव है। हार्डवर्किंग लोग हैं और जहाँ जाते हैं ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से अ पर्सन विद अ मिलियन डॉलर्स। मतलब जब आप इन लोगों को देखते हो तो भरपूर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है आपके। शायद अगर आपके घर में कोई हो या फैमिली फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आपके ग्रुप में कोई हो, तो उसे देखकर ही आपका दिल खुश हो जाता है। एक तरफ के बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब जो है वो इन लोगों के वहाँ से आते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग और खुशनुमा लोग ज़िंदगी जीते हैं, जिसे अगर हम कहें हैप्पी गो लकी, जिसे हम बोलते कलंदर, जैसे जो लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी मस्त मौला अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। अगर समझे तो ना किसी चीज़ की चिंता है, ना फिकर है, ना कोई टेंशन है, ऐसे बहुत बिंदास लाइफ जीने वाले ये लोग होते हैं। अगर इस वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र आ गया तो इन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी होती है, चेहरा बहुत लुभावना होता है, चेहरा बड़ा होता है और पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। इसके कारण बहुत से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में उनके जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं, दोस्त बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत मिलनसार होते हैं, उनका एटीट्यूड ज़्यादा सोशल होता है। जबकि वो बात करते हैं वो बहुत सलीने से, अच्छी तरीके से बात करते हैं। शायद वो कम बात करते हो, थोड़े शर्मीले भी लगते हो, लेकिन जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे रिश्ता बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे आप उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो जान जाते हैं। ज़बान के भी वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब कड़वी बातें वो ज़्यादातर के नहीं करते, मतलब 99% वो कड़वी बातें नहीं करते, जिनके जिससे उनके नाते खराब हो जाए या फ्रेंड सर्कल टूट जाए, तो वो अपनी दोस्ती है उसे सबसे ऊपर रखते हैं। और प्यार के लिए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही, मतलब जितना वो प्यार करे, जितना प्यार बांटे, ज़िंदगी कम ही है, ऐसा लगता है। बहुत रोमांटिक ऐसी है राशि है। अगर आप इन राशि के लोगों को ठीक तरीके से देखें तो वो रिलैक्स तरह की लाइफ जीते हैं। इस लाइफ में वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। मंडे टू फ्राइडे अगर आप इन लोगों को देखो तो बहुत हार्डवर्क करते हैं, अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं, पहली प्रायोरिटी वो अपनी फैमिली को देते हैं, काम को देते हैं, करियर को देते हैं। अगर आप महिलाएं देखें तो ब्यूटी पार्लर में या डांस में, जैसे जो जो बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म की जो ये राशि है, जिसमें शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि होने के कारण इनमें जो कुछ भी जीवन का सुख या आनंद है वो भरपूर पाया जाता है। शुक्र उस चीज़ का कारक रहता है कि हम एक गिलास ठंडा पानी अगर पी ले तो उसका भी जो सुख मिलना चाहिए वो हमें शुक्र की वजह से मिलता है। तो इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, इसकी वजह से ज़िंदगी में जो कुछ भी, मतलब घूमने फिरने का सुख हो, पैसे का सुख हो, किसी भी चीज़ का हो, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनसे जो हमें सुख मिलता है वो भी इसी राशि के कारण, उनकी विलासिता से भरपूर राशि है, इसी के कारण मिलता है। बहुत ही अच्छी लग्जूरियस लाइफ जो है वो ये लोग जीते हैं। मतलब समझो, अगर सिंपल से सिंपल बात है, कार हो आपके पास, घर में कोई भी चीज़ हो, आपका कबर्ड हो या
फिर आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हो वो बहुत ज़्यादा महंगे पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पसंद करते हैं, बहुत ब्रांडेड पसंद करते हैं। इन लोगों की जो पसंद होती है वो ज़्यादा करके हमें महंगी लग सकती है। कोई भी ऑर्डिनरी या सस्ती चीज़ें उन्हें खास करके पसंद नहीं आती। इस प्रकार के अगर जेंट्स भी हो तो उनका जो पहनावा होगा आप सोबर देखेंगे, सामने वाले से बात करने का उनका एटीट्यूड वो भी बहुत सोबर लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसा आप सोचेंगे, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है कि जो चाहे उनसे बात करें, प्यार करें, प्यार में देखते ही प्यार में पड़ जाए, तो फिर प्रॉब्लम या दिक्कत कहाँ पे आती है। फ्रेंड्स, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये सवाल पूछा था और ये खास करके उनके लिए वीडियो है, तो वीडियो आखिर तक देखिए, इसे मिस मत कीजिए। जब ऐसे आप एक कॉलेज में ऐसी एक पर्सनैलिटी ज़रूर देखते होंगे। मेरे कॉलेज के ऊपर भी बहुत सारे फनी वीडियोज़ हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ चेक आउट ट्रेजिडी ऑफ लव, देन व्हाट इज़ लव, लव इज़ सेक्रीफाइस, देन लव इज़ टूडेज हाउ द पीपल आर डीलिंग विथ लव। ये सब जो वीडियोज़ है वो आप मेरी चैनल पर आके चेक कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी मैंने दी हुई है और लव साइंस के उसके ऊपर दिए हुए हैं। हर एक साइन के 12 राशि के जो लोग हैं, हर किसी का प्यार के बारे में जो बर्ताव है अलग अलग है, हर किसी का एटीट्यूड अलग है। हम बात कर रहे हैं वृष राशि की। टॉरस वाले जो होते हैं वो आपको कभी कभी आलसी भी लगेंगे, लेकिन जब वो काम करते हैं तो हर किसी को पीछे छोड़ देते हैं। मतलब काम के तरफ उनकी जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे प्यार को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही अपने काम को, फैमिली को देखते हैं। लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो जाती है, तो अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग इनसे प्यार करते हैं बहुत ही जल्द सबसे पहली बात पॉजेसिव हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप 1000 या उससे भी ज़्यादा लोगों में बैठे हों, लेकिन एक अगर स्माइलिंग फेस या एक अलग चेहरा आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा तो वृष राशि के लोग होते हैं। उनकी इस पर्सनालिटी के कारण बहुत से लोग उनकी जो एक स्माइल है या सिंपल फ्रेंडशिप है उसे भी प्यार समझने लगते हैं। तो ये हो जाता है धोखा। अगर सामने वाला आपसे सिर्फ बात कर रहा है या फिर फ्रेंडशिप में है, आपकी फ्रेंडशिप उसे अच्छी लगती है, तो भी उसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार समझने लगते हैं। ये सबसे पहली गलती लोग कर लेते हैं। और जब फ्रेंडशिप को प्यार समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अपना हक जमाने लग जाते हैं। तो ये सही अब बातचीत करके आप जान लीजिए कि सचमुच में सामने वाला आपसे प्यार करता भी है या नहीं। दूसरी बात ये है, बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने वाले लोग हैं ये। ये लोग ज़िंदगी में जितना उनको आलीशान सब मिलना चाहिए, जितना उनके हार्डवर्क के मुकाबले उन्हें मिलना चाहिए, उसकी सबकी पूरी डट के कोशिश करते हैं। वो मिलने के लिए बहुत हार्डवर्किंग रहते हैं और बहुत पैशनेट रहते हैं। वो सब चीज़ें ज़िंदगी में पाने के लिए वो हार्डवर्क करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसके बदले वो प्रैक्टिकल रहते हैं। इसीलिए जो भी उनसे प्यार करे, सिर्फ इमोशनली होके उन्हें अपने पास रखने की जो जंजीर में जकड़ने की कोशिश है वो ना करे। जो प्यार का एक बेसिक फंडा है फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। प्यार में आप जो सामने वाला इंसान है उसे एक फ्री बर्ड की तरह रहने दो। फ्री बर्ड जिसे आसमान में घूमना है, ज़िंदगी बहुत जीनी है, उसे जाने दो, उसे जो करना है करने दो, अपने हिसाब से जीने दो। और उसके बाद भी अगर वापस लौटकर आपके पास आए तो समझो वो आपका सच्चा प्यार है। अगर इसके मुकाबले आपने उसे जाने दिया, जो करना है वो करने दिया, आपके पास वो लौटकर वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। और सबसे बड़ी मजबूरी इन राशि के लोगों की यही है, आप अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, उनको लगाम डालने की कोशिश करोगे, अपने एक सर्कल में रखने की कोशिश करोगे दबा के, तो वो कभी नहीं रखेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। जितने अपनी जो रिलेशन है उसे बचा के रखने के लिए वो सेक्रीफाइस करेंगे, घुट घुट कर जिएंगे, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं। इसके लिए आप ऐसे करो कि उनको पूरा फ्रीडम दे दो, उनको जैसे जीना है वैसे जीने दो। उनके साथ अगर आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ओवर पॉजिटिव हो जाओगे, 24 घंटा साथ में रहोगे, फ़ोन करोगे, फ़ोन को आप उनके फ़ोन को ट्रैक करते रहोगे, लोकेशन लगाओगे, तो ज़्यादा करके क्या होगा, उनकी जो ये फ्रेंडली बातें हैं, उनका जो ये फ्री नेचर है, उसे आप कहीं अगर शक के दायरे से देखने लगो तो फिर ये रिलेशन ख़राब हो जाएगी।
अगर आपकी लव लाइफ और लव रिलेशन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है तो इनको कम से कम उन्हें 100% चाहिए फ्रीडम, तो 50% तो देना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपके जो कमेंट्स हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पार्टनर कैसे हैं और इस वीडियो से क्या आपको कुछ लाभ हुआ या फिर नहीं।